तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा मार्केट लगा हुआ है। यहाँ ट्रैफिक को बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। साढ़े चार बजे के बाद एंट्री बंद है। ये मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर और आगे जैन मंदिर है और ये शिवालय शिव जी का स्थान। ऑनलाइन हमने टिकट काट लिया है, टिकट काउंटर से 35-35 रुपये का टिकट काटा है। टूरिस्ट फोटो वगैरह खींचते हुए एंजॉय लेते हैं। किले की सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। बहुत ज्यादा टूरिस्ट है। हम अब लाल किले के एंट्री गेट की ओर जा रहे हैं। ये टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट है। नहीं उतारा था। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लाल किला। और आई लाइक दिस, ग्रेट पैलेस। सिक्योरिटी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अब दोस्तों कुछ ही देर में इसके अंदर भी जाऊंगा, आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। बाकी मेन दृश्य यहाँ का ही है जो आप देख रह सकते हैं। उधर एंट्री गेट है इधर की साइड। और ये सामने रोड है, रास्ता है, ये ग्राउंड और ये
लाल किले का मेन गेट जिसे लाल कोट बोलते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत ही शानदार सिक्योरिटी है। यहाँ पे शॉप लगी हुई है, सच में दिल्ली का जो सल्तनत या जो भी सम्राट थे अपने बहुत कुछ यहाँ। इधर भी गार्डन है, इधर भी गार्डन है और सीधा दरबार है। दोस्तों अब मेरा एंट्री करने का टाइम है। सच में दिल्ली दरबार बहुत ही मान जगह है ये। अंदर महल वगैरह और हो सके तो हम अंदर और जाने की कोशिश करेंगे, जा ही रहे हैं वैसे तो। दोस्तों ये सब कुछ जो दृश्य आपको देखने के मिलेंगे सब अंदर लाल किले के अंदर है। ये नौबत खाना नगाड़ा घर महल, बाकी दोस्तों आप पढ़ लो ये क्या चीज है। नौबत खाना और आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा महल है, पर अपने चित्तौड़ की तरह ये महल बड़ा नहीं है, पर दिल्ली दिल्ली है। रास्ता सीधा ही था, देख सकते हो दोबारा बना रहा है। इधर म्यूजियम वगैरह इसमें सभी है अंदर। म्यूजियम वगैरह को तो नया बनाया गया था, पर ये सब कुछ पुराना है। इधर ये म्यूजियम है इस रास्ते में, और हम वहाँ जाएंगे यहाँ पर दरबार के कुछ रहता है। और उधर गार्डन वगैरह है, ये गार्डन वगैरह। यस तो ये वही जगह है जहाँ पर दरबार लगता है। ये दीवाने आम, यस दोस्तों यही है
दीवाने आम दोस्तों, ये दीवाने आम है जो आम नागरिक में कहते हैं। ये वही है जहाँ पे लोग जहाँ पे शाहजहाँ के दरबार लगता था, और यहाँ पे बैठा करते थे, और वहाँ पे हमारे शाहजहाँ जो यहाँ के राजा या सम्राट हुआ करते थे दिल्ली के, वो वहाँ बैठा करते थे। जो आज को सुरक्षित करने के लिए आज में दीवान एक आम नहीं था, यही है दरबार जहाँ पर साजा का दरबार लगता था। उसके बाद हम अब जा रहे हैं नीचे की ओर, और आगे और भी कुछ दिखाएंगे, तो ट्रेवलर्स भी हैं इसमें बने रहे, और ट्रेवलर्स भी हैं इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों पीछे एक और दरबार था शायद, क्योंकि म्यूजियम है वो, बहुत बड़ा है क्या लगता है कि सिर्फ बाहर से ही उतना ही बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा। यहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग भी आते हैं घूमने के लिए। आगे शायद मस्जिद है वो, इस मस्जिद ये अंदर का ग्राउंड है शायद, अंदर पीछे पानी दिख रहा है मेरे को दोस्तों। अब बताता हूँ ये क्या चीज़ है, ये है खास महल। ये महल है, जो आप ये देख रहे हैं वो बादशाह का निजी महल था। इस महल के तीन भाग हैं, तीनों कमरों के समय को दीवाने खास की तरफ हैं। आप देख सकते हैं दीवाने खास ये अपना निजी आवास पकड़ देता। दोस्तों जूम करके मैं बता दिया है, मोती मस्जिद। दोस्तों ये मोती मस्जिद है, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। औरंगजेब ने निर्माण करवाया था इसका। दोस्तों ये कुछ अंदर के पहाड़ हैं महल के, हीरा महल। ये दोस्तों शायद अंदर हीरा महल है, और मंडप वगैरह, शाही बुर्ज, संग्रहालय, हीरा महल। ये हीरा महल है, यही है हीरा महल। ये सामने दोस्तों हीरा महल है, पानी वगैरह के लिए फुवारा वगैरह।
ये तो खोखला है यार। कभी हीरा महल है, बुर्ज वाला एरिया है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है बंदा। दोस्तों ये सावन भादा मंडप, ये सावन भादो मंडप, ये लाल किले के अंदर के बहुत ही सुंदर नजारा है जो मन को मोह लेने वाला। ये दोस्तों म्यूजियम वगैरह बने हुए हैं, इसका ये क्या है दोस्तों अभी मैं आपको बता दूंगा। ये दोस्तों जफर महल है, सावन इधर है तो वादो उधर है, इन दोनों के बीच में ये बना हुआ है सावन वादो मंडपों के बीच में। एक मंडप इधर है तो एक मंडप उधर है, ये जो सफ़ेद संगमर का बना हुआ है, संगमरमर इधर भाग में सावन वादो मंडप बोलते हैं लोग। ओके दोस्तों अब ये चलते हैं बाहर की ओर, अब घूमते हुए। ओ छत्ता बाजार,